गया था। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और गाइस, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक और ब्लॉग में आ गया हूँ और कोलकाता का एक और ब्यूटीफुल पार्क में आया हूँ, जो कि है नेचर पार्क। ये कोलकाता का वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्क है और आज मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ ये पार्क कितना बड़ा है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस पार्क के बारे में। तो सबसे पहले कि आपको अगर इस पार्क में अगर आना है तो आपको पहले एंट्री फीस लेना पड़ेगा, और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, तो परमिशन के बिना आप यहाँ पे वीडियो नहीं कर सकते। और इसका टाइमिंग मैं बता दूँ तो इसका टाइमिंग है सुबह 6 से 8 बजे तक एवरी वीक जो है खुला रहता है। कोई वीक में छुट्टी नहीं है, कोई बंद नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये खुला रहता है। तो चलिए आगे जाके और दिखाते हैं क्या है पार्क के अंदर और सब एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे हाँ यहाँ पे। जा सकते हो, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और साइड साइड में भी जो बना हुआ है यहाँ पे बैठ के आप लोग रोमांस कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ होता है क्या, यहाँ पे बोटिंग भी होता है, लेकिन मैं फिलहाल देख रहा हूँ बोटिंग जो है बंद है, कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बोट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बोटिंग अभी बंद है, हालांकि पानी थोड़ा कम है। ठीक है, मुझे पता नहीं बोटिंग क्यों बंद है, हो सके फिर कहीं शुरू हो जाए बोटिंग। लेकिन घर में पार्क में जाता हूँ, हर गार्डन में जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ बोटिंग का सुविधा तो रहता है, लेकिन वहाँ पे बोटिंग नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह पड़ा रहता है। तो आप थोड़ा यहाँ भी आके दिखा रहे हो, नीचे विकास देख लो, यही है स्वर्ग, इसी को स्वर्ग बोलते हैं यार। इसने पार्क में नहीं आया तो किस पार्क में आया।
दोस्तों यहाँ पे आप एक और चीज़ का मज़ा ले सकते हो, वो मज़ा क्या है कि यहाँ पे फोटो शूट बहुत अच्छा हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो यहाँ का ऊपर में जो इस टाइप का जो बनाया गया है ना, यहाँ पे फोटो शूट बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इतना सुंदर हवा भी चल रहा है, हालांकि धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ जो हवा है ठंडक ठंडक लग रहा है यहाँ पे पास में कोल्ड और इतना सुंदर हवा। और मैं थोड़ा ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये भी चीज़ अच्छा है, यहाँ से भी आप फोटो शूट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी जाएंगे, इधर भी आपको जाके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है। गाइस ऊपर में ताला मारा हुआ है, मुझे लगा खुला हुआ, ठीक है, तो ऊपर जा नहीं सकते, आगे चल के दिखाते कि और आगे क्या है। सो गाइस अभी जैसा आप देख रहे हो ये लेक, और इधर जो एकदम फागा पड़ा हुआ है, इस लेक का नाम है गोड़ा वाला लेक, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड साइड में जो है आप यहाँ पे रोमांस कर सकते हो गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पे देख रहा हूँ, पता नहीं आपको कैमरा में नजर आ रहा हुआ कि नहीं, यहाँ से आप लोग जो है गर्लफ्रेंड को ला के साइड साइड बैठ कर रोमांस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही नहीं कि रोमांस मतलब उस तरह का हरकत नहीं, हाँ यहाँ पर बैठ के आप लोग अपने मन की बातें कर सकते हैं, हालाँकि मुझे ऐसा बोला नहीं चाहिए, आपका पर्सनल लाइफ है, आप लोग जो कुछ करना चाहे कर सकते हो। सो गाइस ये है नेचर कमाल।
स्क्वीज करो, जो भी करना है करो, लेकिन दीवार पे कुछ मत लिखो और घास में भी आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए। दीवार तो चलो यार नॉन लिविंग थिंग के चल जाएगा, लेकिन जो लिविंग थिंग है उसके साथ तो मत किया करो ऐसे। सारा चीज़ घूमने के बाद अभी मैं बैठा हुआ हूँ और मैं विकास को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जो वीडियो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यार सच में आज मेरा बहुत बात सुना हो, मैं उसको बोला इधर से वीडियो का रुक किया, अपना तरीके से भी किया जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। सो थैंक यू विकास। और আমি একটা কথা বলবো, ঠিক আছে, মানে যারা এখানে আসেন, ঠিক আছে, রোমান্স করতে আসেন, ঠিক আছে, ভালো, কিন্তু আমি এখানে দেখছি কি মানে ওখানে ফ্যামিলিরা আসে, তো আমি যেটা বলবো আপনাদেরকে কি মানে যারা ছেলে আর মেয়ে তাদেরকে বলতে চাইছি কি যে আপনারা যদি রোমান্স করেন, ঠিক আছে, যখন দেখবেন আপনাদের সামনে ফ্যামিলি যখন যাচ্ছে রাস্তা, বাচ্চাগুলো যাচ্ছে, তাদের সামনে একটু দাঁড়িয়ে যাবেন, ঠিক আছে, কেন কি আমি অনেক দেখছি কি বাচ্চা চলছে তবুও দেখি এখানে মানে মেয়ে আর ছেলেগুলো কিস করেই যাচ্ছে করে যাচ্ছে, সেটা একটা খারাপ জিনিস, ঠিক আছে, মানে বাচ্চাকে দেখলে একটা খারাপ মানে খারাপ করবে না ওর উপর। তো সেটার জন্য আপনাদেরকে বলতে চাই কি আপনারা যদি এরকম করেন তো একটু মানে দেখে করবেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি করুন, আপনার ইচ্ছা, আপনার বয়ফ্রেন্ড আছে, আপনার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আছে, আপনার করতে পারেন যা ইচ্ছা, আপনার আপনার শরীর আছে যা ইচ্ছা আপনার শরীরের সাথে করতে পারেন, কিন্তু অন্য কারো কাউকে যদি প্রবলেম হয় সেটা আপনি একটু দেখে চলবেন, কেন কি আমি চাই না বাচ্চাগুলো এইগুলো দেখে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর আমাকে যে বলতে চায় আমি এই কথা বলার পর হয়তো কেউ কমেন্টে বলবে কি হ্যাঁ তুই তো ভিডিও বানাচ্ছিস, ভিডিওতে দেখাচ্ছিস, ঠিক আছে, তো আমি একটা কথা বলবো, ঠিক আছে, এই ভিডিওটা আমি আন্ডার 18+ করে দেবো, ঠিক আছে, যারা 18 আছে তারাই ভিডিওটা দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। তো সেটার জন্য আমি এটা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু বিশেষ করে মানে এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে, আর সত্যি এখানে সবাই আসতে পারে, ফ্যামিলির সাথে আসতে পারে, কাপলসরাও আসতে পারে, ফ্যান্টাস্টিক প্লেস এইটা। সো গাইজ, ভিডিও এন্ড করার সময় আ গিয়া হ্যায়, মুঝে উম্মীদ হ্যায় কি আপকো ভিডিও পছন্দ আওগা। और मैं आपको कुछ बता दूं गाइस कि ये पार्क आने के लिए मुझे सच में बहुत 3-4 गाड़ी चेंज करना पड़ा, ठीक है, कि हम लोग अभी यहाँ से कुष्टिया से आए हैं, तो कुष्टिया से हम लोग कभी 3 गाड़ी लगा यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं से भी आते हो तो बहुत दूर है, मतलब थोड़ा ग्राम एरिया में है, ठीक है ना, और तो यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा मैंने फैक्ट्री भी देखा कि बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है इधर, इसीलिए क्योंकि ये पूरा ग्राम एरिया है और इधर सब बहुत सारा पावर प्लांट जो है लगा हुआ है। और मैं अभी अपने फेवरेट सुपरमैन के पास खड़ा हूँ, ठीक है, जो कि पत्थर का बन चुका है। और हाँ, एक और बात, और मैं फिर से एक बार विकास को थैंक यू कहना चाहूँगा यार, थैंक यू सो मच इस तरह का वीडियो करने के लिए, मेरा हेल्प करने के लिए, ठीक है। और गाइस, आप लोग अगर यहाँ आना है तो प्लीज़ आइए, 25 का टिकट है पर हेड, और आके आप लोग गर्लफ्रेंड के साथ आकर रोमांस कर सकते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के ब्लॉग बनाता रहूँ, इस तरह के वीडियो बनाता रहूँ और कोलकाता में जाकर इस तरह के पार्क दिखाता रहूँ आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो।